उत्तराखंड के अल्मोड़ा में धर्मनिरपेक्ष युवा मंच संयोजक विनय किरोला के नेतृत्व में सोमवार 3 जनवरी को समस्त स्थानीय युवाओं ने मेडिकल कॉलेज में नियुक्तियों में अनियमितता को लेकर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अजय आर्य का घेराव किया। इस मौके पर विनय किरोला ने कहा कि लंबे समय से सुनने में आ रहा है कि नियमों और मानकों को ताक पर रखकर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भर्तियां हो रही है। कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक राजनीतिक दबाव बनाकर अपने चहेते लोगों को नौकरी दी जा रही है। आउटसोर्सिंग कंपनियां बिना किसी विज्ञप्ति के एक तरफा भर्ती ले रही है, वो अल्मोड़ा के बेरोजगारों के साथ अन्याय है जो वे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंच के संयोजक विनय किरोला ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डॉक्टर अजय आर्य के अनुसार मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा को MCI से मान्यता के सारे मानक पूरे कर लिए गए हैं। विनय किरोला ने बताया कि जब मेडिकल कॉलेज में मान्यता के सारे मानक पूरे कर लिए गए हैं, बावजूद इसके MCI की टीम अल्मोड़ा द्वारा लंबे समय से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं दी जा रही है, जो स्पष्ट संकेत देते हैं कि सरकार अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को बनाने को लेकर पूर्णतः उदासीन है। देखिए, आज हम दो विषयों को लेकर यहाँ पर आए। पहला विषय है कि मेडिकल कॉलेज जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, मेडिकल में सबसे बड़ी दिक्कत होती है फैकल्टी जुटाने की। आज यहाँ मेडिकल की फैकल्टी भी पूरी आ चुकी है, बावजूद उसके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है जो वाइट एलिफेंट साबित हो रहा है, और डॉक्टर्स जो हैं वो खानापूर्ति तक सीमित हैं आज के दिन में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनानी है जिस उद्देश्य से वो यहाँ पर आए थे। तो हम ये मांग लेके आए हैं कि भाई अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल की या बेस हॉस्पिटल के स्तर से कोई कमी है तो हम DG स्वास्थ्य शिक्षा तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक दबाव बनाने का काम करेंगे ताकि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सुचारू हो सके। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में बिना किसी विज्ञप्ति के एक तरफा भर्ती हो रही है, जिससे अल्मोड़ा के युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए आक्रोशित स्थानीय युवाओं ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन देते हुए जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों में रिक्त पदों पर आवेदन लेने की मांग की। इसके अलावा मांग रखी कि संबंधित रिक्तियों का विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में किया जाए, जिससे भर्तियों में पारदर्शिता बनी रहे। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन देते हुए युवाओं ने एक स्वर में कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो मजबूरन वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की होगी। इस अवसर पर धर्मनिरपेक्ष युवा मंच संयोजक विनय किरोला, मीडिया समन्वयक मयंक पंत, वीरेंद्र सिंह कनवाल, समन्वयक राजन कनवाल, पूर्व BDC खत्यारी आनंद सिंह कनवाल, अभी कनवाल, मुन्ना लटवाल समेत कई लोग मौजूद रहे।